आवश्यकता है सैमसंग और जियो मोबाइल कंपनी में। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे सैलरी 10,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक है, रहना खाना फ्री, यानी कि बड़ी कंपनी का नाम बताकर ज़्यादा सैलरी बताकर दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ठग है जिसका मैंने पर्दाफाश किया है। दोस्तों मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा ये किस तरह से ठगी करते हैं और अब तक कितने बच्चों से नौकरी के नाम पर ठगी कर चुके हैं। दोस्तों इन लोगों ने अब तक लाखों करोड़ों रुपये की ठगी कर ली है। दोस्तों बस ये 300 रुपये के 1,000 पेपर छपवाते हैं और जगह जगह चिपकाते हैं और उसके बाद ठगी का ऑफिस खोल के वहाँ दो लड़कियाँ बिठाकर और ठगी करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक मामला सामने आया है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से ठगी करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या है पूरा मामला? आप बता रहे थे कि जी आपसे नौकरी के नाम पे पैसे लिए गए। मैं सेक्टर 18 गया था तो वहाँ पे सैमसंग ये जो लगा हुआ ये सामने पेपर लगे नंबर पेपर पे, तो मैंने कॉल किया था। हाँ, कॉल करने से मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बुलाया, पहले तो बताया कि कुछ नहीं आओगे फ्री हो जाएगी भर्ती। अच्छा। मैं वहाँ पे गया तो फिर उन्होंने 1500 रुपये मांग रहे नौकरी के नाम पर। नौकरी के नाम पे। अच्छा, फिर तो मैं फिर गया वहाँ पे, फिर काफ़ी देर तक बैठा रहा, फिर कहने लगे पैसे दे दो हो जाएगा तुरंत। मैंने कहा ठीक है, उस टाइम पे कोरोना टाइम चल रहा था तो नौकरी मिल नहीं रही थी कहीं पे। अच्छा। तो मैंने दिया उनको, उसके बाद उन्होंने एक लिफाफा से दिया फोटो का लगा के, कहने लगे ठीक है कॉल कर दूंगा मैं आपको। तो इन्होंने कितने पैसे लिए आपसे नौकरी के नाम पर? 1500 रुपये लिए थे। और नौकरी नहीं लगवाई आपकी? नौकरी लगी नहीं, फिर उसके बाद 1500 रुपये ले लिए। फिर तो कब दिए थे आपने 1500 रुपये? कब दिए थे आपने? हो गया कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर? हाँ। तो ये मतलब आपको घुमाते रहे लेकिन नौकरी लगवाई इन लोगों ने आपको? ना, मैं फिर यहाँ दिल्ली भी गया था, वही लिफाफा एक बार दिया था। दिल्ली में कहाँ पर गए थे आप? दिल्ली में अभी इतना याद नहीं मेरे को, दिल्ली में कहाँ पे गया था। अच्छा, कुल मिला के आपसे नौकरी के नाम पे पैसे लिए गए, आपको लेटर बना के दिया गया लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, घुमाते रहे। लिफाफा। तो लास्ट में क्या बोला जब आप उन्होंने पैसे मांगे? कुछ नहीं, वहाँ पे फिर लास्ट में दिल्ली गए तो वहाँ पे वो लोग कहने लगे कि यहाँ पे आओ ट्रेनिंग लगेगी। अच्छा। ट्रेनिंग का रूम भी है, यहाँ पे खर्चा वगैरह लगेगा। फिर मैंने कहा ये तो हमको लग रहा फ्रॉड ही है। अच्छा। फिर मैं वहाँ से चला आया, फिर अपना दूसरी जगह काम देखता रहा, फिर दूसरी लग गया। आपने उनकी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? कोई कंप्लेंट नहीं, क्या वो बता रहे थे कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के दौरान करोगे तो ट्रेनिंग। मैंने कहा ट्रेनिंग में कौन जाएगा, इनके चक्कर में पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं पे काम कर लो। आपका नाम क्या है पूरा? शैलेश कुमार। पिता का नाम क्या आपके? स्वर्गीय शारदा चरण। कहाँ रहते हैं आप? अभी इस टाइम तो सूरजपुर रहते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? हम हैं हरदोई के। हरदोई के? हाँ। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पड़ता है 450 किलोमीटर। यानी कि आप नोएडा नौकरी देखने के लिए आए थे। हाँ। लेकिन नोएडा जैसे बड़े शहर में आपसे नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। हाँ, और आपको नौकरी नहीं दी गई, आपसे 1500 रुपये नौकरी के नाम पर लिए गए। तब से मैं इन चीज़ों पे सीधा कंपनी जाता हूँ, कंपनी गेट से भर्ती लो, इधर उधर के चक्कर में। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे देश के युवाओं को? युवाओं को यही संदेश देते हैं हम लोग, अगर कोई भी है कुछ भी तो किसी के चक्कर में ना पड़े, फोन या SMS आते हैं उनसे चक्कर में पड़े, सीधा कंपनी से कॉन्टैक्ट करें या कॉन्टैक्ट बेस पे जाएं, वहाँ पे ठेकेदार वगैरह होता है उनसे संपर्क करें। ये बैनर वगैरह चार्ट वगैरह लगे होते हैं इनसे कोई संपर्क न करें। फ्रॉड ही होते हैं, इन पर कई बार कॉल किया तो ये बताते हैं वहाँ पर आ जाना, यहाँ पर आ जाना, इन पर यही होता है। नौकरी लगवाते? नौकरी नहीं लगती, पैसे लेते हैं खाली मूली। वहाँ पर वो लड़के थे तो उनसे कहने लगे वीवो में लगवा देंगे, ओप्पो में लगवा देंगे, सबका ऐसा ही हुआ, किसी से 5,000 ले रहे थे, किसी से 4,000 ले रहे थे, किसी से 2,000 ले रहे थे, यही सब हो रहा था। तो सैमसंग कंपनी के नाम पे धोखाधड़ी? सैमसंग के नाम पे धोखाधड़ी। आपने सैमसंग कंपनी यहाँ कंप्लेंट नहीं करी? मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि फिर कंपनी से पता गया तो उन लोग कह रहे कंपनी से गेट से कोई भर्ती नहीं होती है, इनके कैंप लगते हैं, कैंप से ज्वाइनिंग होती है। फिर लड़कों से सैमसंग जो काम करते हैं उनसे पता किया, कैंप लगते हैं इनके गेट से डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं होती, और फिर कैंप लगते हैं इनके यहाँ पे आसपास नहीं, कहीं दूर लगते हैं इनके बाहर। ठीक है, ठीक है, बस यही संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।